हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मैट्रिक्स में नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिख लेते हैं हम टॉपिक का नाम, टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्राइसिस। तो इसमें हमें टोटल चार टाइप पढ़ाने, तो एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला आता है हमारा इसमें, उसका नाम है आइडेम्पोटेंट। क्या है आइडेम्पोटेंट? DEMPOTENT, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका डेफिनेशन क्या है, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं हम। दैट इज कि हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वो एक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। और वो इक्वेशन क्या है वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। द इक्वेशन इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो तुम पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना, क्या लिखोगे? ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। वो मैट्रिक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम इसके बारे में फर्दर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख लेते हैं। अच्छा देखना, वो पॉइंट्स क्या है इतना तो याद रखेंगे, ये तो बेसिक सबसे इनिशियल स्टेप है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद ए। क्या कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, ये क्या लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया। पोस्ट करो चाहे प्री करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर क्या आ जाएगा मेरा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर ए के बराबर है, ए क्यूब ए स्क्वायर के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं ए क्यूब भी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। इधर ए स्क्वायर उठा के इधर रख दिया। अच्छा फर्दर मैंने अगर मान लो ए की पावर 4 निकाला, तो आई कैन से ए की पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्क्वायर आएगा, फर्दर ए स्क्वायर इज ए। तो कैन यू जज कि मैं क्या लिखने वाला हूं? सोचो कि ए के मैं कोई भी नेचुरल पावर लूं, ए के ऊपर देखना मैं क्या लिख रहा हूं मैथमेटिकली, ए की पावर के, के इज एनी नेचुरल नंबर, दिस मैट्रिसेस विल बी ए ओनली। कब? जब अगर मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट होगा। क्लियर हुआ बच्चों? अगर मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट होगा तो ये इक्वेशन ट्रू होगी। के लिख लो, के लिख लो, के क्या है, या तो तुम ऐसे लिख लो आई प्लस, या फिर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला, आई प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर हो, तो दिस इक्वेशन विल होल्ड। कोई भी, जैसे मैंने लिखा ए की पावर 2005, तो दिस विल बी ए ओनली। कब? अगर मैट्रिक्स जो है हमारी आइडेम्पोटेंट होगी। तो एक तो नोट इसके बारे में ये लिख लो, इसको तो भूलना ही नहीं, ये तो हमारा इनिशियल ही है ही, मतलब ये बेसिक डेफिनेशन आई है, ए स्क्वायर इज ए इज नथिंग बट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद फर्दर हमने कंक्लूड किया, केवल ए स्क्वायर ए के बराबर नहीं है, ए का कोई भी नेचुरल पावर लो, कोई भी पावर लो, ऑफकोर्स दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर, देन इट विल बी ए मैट्रिक्स ए ओनली। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट इसके लिए। अब सेकेंड देखना बच्चों, क्या किया, ये दो मैट्रिसेस हैं, अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं, ए स्क्वायर क्या एक मैट्रिसेस ही है, ए क्या एक मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों के डिटरमिनेंट भी बराबर होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं इसी इक्वेशन में, देखना तुम लोग लिख लो इधर से, क्या लिख रहा हूं, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। तो देखना क्या होगा, ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा अब हमने एक दो क्लास पहले पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, देखो इधर मैं साइड में लिख देता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है ना, उसी प्रकार ये मेरा क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये लिखा ही है। फर्दर इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं दो में, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इस इक्वेशन को देखना, फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस वाले को मैं LHS में लेके आया, तो मेरा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां से हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, क्या आया, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो और एक आया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वन। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि अगर मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट है तो पक्का उसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो जीरो होगा या वन होगा, इन दोनों वैल्यू के अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आया, ये सब कहां से ड्राइव हो रहा है, जैसे हमारा पैरा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, ये अपना बोल सकते हैं मदर इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, सबसे मेन इक्वेशन यही है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसके बाद हम फर्दर रिजल्ट्स ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या मिला, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैट्रिसेस आइडेम्पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू या तो जीरो होगा या वन होगा, इन दो के अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इतना कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, और इसके बाद में एक और रिजल्ट देखते हैं इसके से रिलेटेड। ठीक है चलो, तो आई एम वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो।
देखना अभी मैंने क्या लिखा कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा। अच्छा तो एक काम करते हैं, एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, उसमें मैं क्या करने वाला हूं, ए इनवर्स का यूज करने वाला हूं, एंड फॉर दैट आई वांट कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं अब केस ले रहा हूं कि इफ, देखना ध्यान से, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है इसका मतलब ये वाला केस नहीं है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए वन है। तो सुनना क्या कर रहा हूं मैं, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी, इनिशियल इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसमें मैंने क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, प्री या पोस्ट कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्या किया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, कब कर पा रहा हूं, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब, और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। तो मैंने कंडीशन पहले ही बना ली कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं है तब मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, देखना, लेट सपोज मैंने पोस्ट किया, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स, अब इसमें से एक ए इसको दे दिया, तो ए इंटू ए इनवर्स कितना हो गया आई, और ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए, इधर से क्या आ गया ए इंटू ए इनवर्स आई। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक इट, या इट इज करेक्ट। तो क्या कंक्लूड निकला हमें इससे, अब देखना ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये कब हुआ है, व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो, तो मतलब नॉन सिंगुलर की बात चल रही है। तो मैं इसको देखना लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोल रहा हूं, नॉन जीरो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर, नॉट नॉन जीरो सॉरी नॉन सिंगुलर, चलो लिख लेते हैं इधर, नॉन सिंगुलर जो मैंने ऊपर ड्राइव किया ना, इसी को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखो नॉन सिंगुलर, तो मैंने ये चीज यूज कर ली, नॉन सिंगुलर आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, अच्छा नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारा, हैज टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया बच्चों, इससे ये हमारा क्या आ गया, आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया। कब है ये कंडीशन, देखो हमेशा नहीं है, सारी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए नहीं है, वो आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, क्योंकि आइडेंपोटेंट में तो डिटरमिनेंट जीरो भी होता है, तो हमने वो केस को एक्सक्लूड कर दिया। मैंने बोला अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तब हम बोल सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स अगर आइडेंपोटेंट है और उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तब वो पक्का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना पड़ेगा उसको। क्लियर है बच्चों, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम दूसरा डिस्कस करते हैं इसमें, सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इनवॉल्यूटरी। तो पहले उसको लिख लो, इसको लिखने के बाद उसका टॉप नाम लिखो, सेकेंड टाइप है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब हम चार ओवरऑल चार पढ़ने वाले हैं, देख रहा, अब सेकेंड वाला है इनवॉल्यूटरी, इसको मैं मेमोराइज करने का तरीका भी बताऊंगा कि हाउ टू मेमोराइज, थोड़ा सा इसमें दिक्कत क्या है, देखो न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान आते हैं इस पर्टिकुलर, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बट दिक्कत कहाँ होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आइडेंपोटेंट मतलब कंडीशन क्या थी, वो मैथमेटिकल कंडीशन, अब जैसे तीन चार पढ़ लेंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, दैट इज देखना मैंने क्या लिखा, इनवॉल्यूटरी या इनवॉल्यूटरी भी बोलते हैं, इधर एन भी आता है कहीं कहीं बुक्स में, इनवॉल्यूटरी बोलते हैं। तो इनवॉल्यूटरी तुम पूरा लिखो इधर मैट्रिसेस। तो अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ, मैं कंडीशन लिख रहा हूं इधर, क्या बोला मैंने, जैसे कि उधर लिखा था हमने अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंपोटेंट इफ, फिर कंडीशन लिखी थी, उसी प्रकार मैं इधर बोल रहा हूं अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये हमारी बेसिक कंडीशन हो गई, पेरेंट इक्वेशन बोल सकते हैं। इसी से अभी हम फर्दर रिजल्ट्स, दो चार रिजल्ट्स हैं जो ड्राइव करेंगे, बट इसको याद रखना है कि अगर इनवॉल्यूटरी है मैट्रिक्स तो पक्का वो इस रिलेशन को होल्ड करेगी, ठीक है बच्चों। अच्छा तो अब हम रिजल्ट भी लगे यार ड्राइव कर लेते हैं, जैसे कि उधर किया था हमने ए वगैरह से मल्टीप्लाई करके फर्दर हायर पावर्स को देखा था, तो इधर भी मैं क्या करूंगा, हायर पावर्स को एनालिसिस करूंगा कि हायर पावर्स में क्या हो रहा है। तो लेट्स से आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद, अच्छा उससे पहले मुझे अगर मान लो इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो बिफोर दैट आई नीड टू प्रूव कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, और वो तो बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्या लिखा मैंने, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, मैं क्या प्रूव कर रहा हूं अभी, फॉर टाइम बी आई एम प्रूविंग इट कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो क्या क्या हो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ आई, और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है, वन होता है, ये तो हमने पहले भी देखा है,
क्योंकि ये डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स वन होते हैं, और हमें पता है कि कोई भी डायगनल मैट्रिक्स हो उसकी मैट्रिक्स वैल्यू क्या, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, तो इधर क्या होगा वन इंटू वन इंटू वन एन टाइम्स, तो दैट विल बी वन ओनली। अब इधर से मेरा क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो इससे प्रूव हो गया मेरा क्या कि ए का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तब उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या करते हैं इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्री करो पोस्ट करो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने किया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई एन। तो देखो इधर से ही बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ध्यान देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो पहले ए इनवर्स इंटू ए आई और आई इंटू ए इज ए, तो इधर से आया हमारा ए, और इधर से क्या ए इनवर्स इंटू आई एन इज ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स आती है। तो इससे अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, देखना क्या कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कोई है और मुझे अगर उसका इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा वो मैट्रिक्स इटसेल्फ। देखो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मान लो देखो अभी हम इनवर्स निकालने का आगे टॉपिक आएगा हमारा इनवर्स एडजॉइंट वगैरह उसमें हम सीखेंगे, बट अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है ना तब मेरा इनवर्स क्या होगा ना उस मैट्रिक्स के बराबर ही होगा, ये हमने प्रूव किया इधर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए, समझ में आया। चलो अब फर्दर एक आध रिजल्ट और देख लेते हैं। अब क्या किया हमने, इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरा, देखो मैं एल एच एस में क्या लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यू, और इधर क्या आएगा ए इंटू आई एन इज ए, देखना अभी अभी कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है। फिर क्या किया फर्दर इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा ए की पावर फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है आई के बराबर है हमारी पेरेंट इक्वेशन। देखना दोबारा क्या बोला मैंने, इधर ए से मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर फोर आया, इधर ए से करूंगा ए स्क्वायर आएगा, और पेरेंट इक्वेशन से मेरा ए स्क्वायर किसके बराबर है आई एन के बराबर, तो इधर आ गया आई। अब देखना फर्दर एक और कर लेते हैं फिर कंक्लूड करते हैं। फिर मैंने एक ही बार फाइव निकाला तो एक ही बार फाइव में इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, चलो इधर नहीं लिखता हूं अभी बताता हूं क्यों नहीं लिख रहा हूं, एक ही बार फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा ए से, एक ही बार फाइव का इधर ए आएगा और ए इधर लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं दिस इज ए की पावर फाइव। फिर मैंने दोबारा एक ही पावर फाइव में इधर इन दोनों में देखना इन दोनों को इक्वेट करके ए से मल्टीप्लाई किया तो इधर एक ही पावर सिक्स आया, इधर क्या ए स्क्वायर और ए स्क्वायर किसके बराबर आई एन के बराबर, तो एक ही पावर सिक्स क्या आया आई एन के बराबर। सो अब समझ में आ रहा है क्या कंक्लूड करने वाला हूं मैं कि अगर ए की पावर में ऑड नंबर लिखा तो ए के बराबर आएगा, और अगर इवन नंबर लिखा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं, ये किसके लिए ट्रू है ओनली फॉर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या लिखा मैंने ए की पावर में इवन नंबर, तो इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं टू एन प्लस वन या फिर टू एन माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू ए एंड ए की पावर, ये तो ऑड की बात होगी सॉरी, और अब इवन की टू की पावर एन इज इक्वल टू ए, सॉरी दिस इज इक्वल टू आई, क्लियर हुआ बच्चों। तो ये चीज याद रखेंगे हम, देखो ये आएगा कब काम, देखो सुनो जैसे कोई मैट्रिक्स दे दी उसने ठीक है, और वो दिखने में अजीब सी लिखे मतलब आई मीन कहने का मतलब उसका पावर हम हायर कैलकुलेट करते जाएंगे तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अगर हमने 1% के लिए उसका ए स्क्वायर निकाला, मैं क्वेश्चन का बता रहा हूँ किस टाइप से आ सकते हैं, ए स्क्वायर किस्मत से मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया उसका स्क्वायर, तो क्या हो गया इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो गई। और फिर उसने क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड ए की पावर लेट्स से 2006, तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इधर कोई भी नंबर लिखाओ हमें क्या पता करना है बस ये इवन है या ऑड है, सिंस हियर इट इज इवन सो डायरेक्टली आई विल से दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मान लो ये 2007 होता ए की पावर में तो आई विल से दिस इज ए ओनली। तो समझ में आया यूज क्या हुआ, अगर मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है तो हम डायरेक्टली हायर पावर्स को ये क्या लिखेंगे या तो आई लिखेंगे या ए लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन जो हमारा पावर है वो ऑड है या इवन है, क्लियर हुआ बच्चों। तो इसको कॉपी करो ठीक है, अब मैं मूव करूंगा थर्ड वाले की तरफ। देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फोर्थ वाला इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं थर्ड वाला डिस्कस करता हूं, दैट इज पीरियोडिक कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क ठीक है ना। देखना मैं क्या बोला इनवॉल्यूटरी तो हो गया हमारा, अब हम मूव कर रहे हैं हमारा किसकी तरफ थर्ड वाला है। देखना मैं क्या लिख रहा हूं पीरियोडिक, देखो ये टाइप ये ना अभी मैट्रिक्स में तो हम इसमें कमी पढ़ेंगे, इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं हम आगे कैलकुलस में, दैट इज इन चैप्टर फंक्शन ठीक है ना। तो अभी के लिए तो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ,
कब हमारी मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक बोलेंगे और उसका पीरियड क्या होगा। तो लिख लो, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक। मैं कंडीशन लिखूंगा केवल, तुम लिख लो जैसे कि पहले लिखा था हमने, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ, देखना इफ के बाद क्या लिखना है, ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए, ठीक है। और के की, अच्छा ऐसे लिख लो, चलो मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। एक तो ये याद रखेंगे, देखो इसको ना जैसे आगे चल के हम फंक्शन में बता देता हूं मैं क्या पढ़ने वाले हैं, देख उधर कैसे डिफाइन करते हैं, सेम ही तरीका है। तो इसलिए इसको पीरियोडिक को याद करना टफ नहीं होगा, कंफ्यूजन बाकी तीन में होगा, उसको भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा, बताऊंगा कैसे याद रखना है। अभी के लिए देखो, जब हम फंक्शन में पढ़ेंगे ना, फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलते हैं, उधर ऐसा आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी, या फिर टी की जगह चलो के ही यूज कर लेता हूं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। वैसे जनरली हम उधर टी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन टी। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या फंक्शन में होगी हमारा, और ये अभी हमारी किसमें है, हमारा मैट्रिसेस में। के की लीस्ट वैल्यू को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। देखो मैं इससे क्वेश्चन अभी तक तो कभी नहीं आया, इसलिए दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक्चुअली फिर भी तुम्हें पता तो होना चाहिए, क्या पता आ जाए, ठीक है ना। कि ए की पावर के प्लस वन अगर ए के बराबर है, देन आई विल कॉल के का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना उसको मैं बोलूंगा दैट इज द फंडामेंटल पीरियड। समझ में आया बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फोर्थ वन इज, देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ। एक काम करो, पहले इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, उधर ही लिखता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी जगह ले लेगा। तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो। ठीक है, ये टॉपिक एक्चुअली अभी तक का सबसे आसान पार्ट है, इसमें बस याद रखने का ज्यादा है, समझने का उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब तो मैं क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ सही सही बोल रहे थे सर, कि थोड़ा याद रखने का ज्यादा है। देखो जो फोर्थ वाला है वो है हमारा निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, अब सुनना, निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगेन मैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट। अब मैं इक्वेशन लिख के जा रहा हूं, क्या लिख रहा हूं देखना, इफ ए की पावर एम इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं हम एम की मिनिमम वैल्यू को क्या बोलेंगे, इधर बोलते हैं इंडेक्स, मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एम इज कॉल्ड, इतना लिख लो इंडेक्स, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, है आएगा क्या क्वेश्चन और हमें, और फर्दर इससे क्या हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे वो भी देखने वाले हैं। एक रिजल्ट और है इसी के अंदर, देखना उसने क्या बोला कि एक इक्वेशन है, एक मैट्रिक्स है जो इसको सेटिस्फाई करे उसको हम बोलेंगे निलपोटेंट, पहली बात तो, अच्छा। और फिर मैंने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एम को हम इंडेक्स बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे कोई मैट्रिक्स दिया है, लेट से 1 2 3 0 1 2 1 0 1 ऐसा कुछ तो दिया है, ठीक है। फिर क्या किया उसने, बोला कि फाइंड वेदर दिस इज निलपोटेंट और नॉट, एंड हेंस फाइंड द इंडेक्स। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इनिशियल स्टेप क्या होगा, जैसे अभी इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे हम, एक्चुअली पहचानेंगे कैसे, बट प्रोसीजर क्या होगा हमारा, हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। मान लो वो कुछ तो आ गया, बट अगेन इट इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, मान लो इधर 1 2 और कुछ तो आ गया, ऐसा कुछ तो आ गया, फिर मैंने ए क्यूब निकाला, फिर अगेन कोई ना कोई एक आध एलिमेंट नॉन जीरो टाइप का आ गया, फिर ये नो, फिर मेरा ये नल मैट्रिक्स नहीं बना। अब मान लो मैंने दोबारा इसको ए से मल्टीप्लाई किया, और किस्मत से मान लो ए की पावर 4 मेरा एक नल मैट्रिक्स आ गया, समझना प्रोसीजर मैं क्या बोल रहा हूं, ए की पावर 4 मान लो 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, फिर मैं क्या बोलूंगा, माय इंडेक्स इज 4, क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि 4 पे जाके 0 0 हुए सारे एलिमेंट्स, उससे पहले कुछ ना कुछ नॉन जीरो हो रहे थे, नल मैट्रिक्स नहीं बन रहा था, तो ए की पावर 4 इज नल मैट्रिक्स। अब को सोचो इसके बाद मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से ए की पावर 5 आया, क्या आएगा मेरा, अगेन 0 0 ही आने वाला है, क्योंकि नल मैट्रिक्स में किसी को मल्टीप्लाई करूं तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, सो इट विल बी 0 0 0 0 0। तो अब कितनी बार बढ़ाते जाओ, हमेशा नल मैट्रिक्स ही आने वाला है, एक बार नल बना उसके बाद तुम कितने भी मल्टीप्लाई करते जाओ हमेशा नल मैट्रिक्स ही बनेगा। तो इससे कंक्लूज क्या निकला, एक और चीज क्या निकली, अगर ए की पावर, अगर एम इंडेक्स वैल्यू है तो ए की पावर के विल बी नल मैट्रिक्स फॉर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ये भी लिख लेना
कि एक बार a की पावर m अगर जीरो नल मैट्रिक्स है तो a की पावर k नल मैट्रिक्स होगा फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और a की पावर k विल नॉट बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स फॉर k लेस देन m, क्योंकि नहीं तो फिर इंडेक्स m क्यों बोलते हैं। अगर मान लो k लेस देन m के लिए भी अगर a की पावर k मेरा सॉरी हाँ a की पावर k अगर नल आ जाए तो उसको फिर इंडेक्स नहीं बोलेंगे m को। तो ये दोनों चीज याद रखना, समझ में आया बच्चों? एक बार और क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है तुम्हें डाउट आया हो। देखो क्या करेंगे, ए एक मैट्रिक्स दिया होगा, अभी करेंगे कुछ देर में ही करने वाले हम, एग्जांपल लेने वाला हूँ। फिर हम क्या करेंगे, उसने बोला कि ये नल पोटेंट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, फिर देखा वो नल मैट्रिक्स नहीं आया, फिर क्यूब निकालेंगे, करते गए मान लो ए की पावर फोर पे वो नल मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि फोर इसका इंडेक्स, पहली बात तो ये। अब तुम इसको ए से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, RHS में क्या बनेगा, नल मैट्रिक्स ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, एक बार इंडेक्स पता चल गया उसके बाद मैं a की पावर बढ़ाते जाऊं एवरीथिंग विल बी नल मैट्रिक्स ओनली। तो वही चीज मैंने इधर लिखा है, क्या लिखा है, मान लिया मेरा m इज इंडेक्स है किसी मैट्रिक्स का और वो नल पोटेंट है, तो क्या होगा, a की पावर k नल मैट्रिक्स होगा फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, और k लेस देन m के लिए क्या होगा, a की पावर k विल नेवर बी नल मैट्रिक्स, क्योंकि अगर वो नल मैट्रिक्स हो जाए k लेस देन m के लिए तो फिर हमारा इंडेक्स और कम होता ना m से। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें रह गई हमारा आइडियल पोटेंट में, तो उसको बताने के पहले क्या करो, तुम इस पार्ट को कॉपी कर लो, छोटा सा पॉइंट एक और वो ऐड कर देता हूँ, उसके बाद हमारा थियरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में, फिर हम न्यूमेरिकल पे जंप करेंगे। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, इतना सफिशियंट स्पेस बन, तो जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमें डिटर्मिनेंट लिया था, तो इसमें भी हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो देखना डिटर्मिनेंट लिया मैंने, इधर क्या आएगा मेरा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू जीरो, इधर आया डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू जीरो, इससे आया डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही सेम इक्वेशन जैसे हम पहले करते आ रहे थे, m की जगह बस टू था उधर। तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमें, अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ना उसका पक्का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो जीरो होगी ही होगी। ठीक है, हम इंडेक्स नहीं बता पाएंगे इतना आसानी से, बट एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं इस रिजल्ट से कि वो मैट्रिक्स निलपोटेंट हो रही होने वाली है या नहीं। और चीज एक और चीज देखो, दो चीजें हैं, एक तो पक्का, देखो सुनना ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, फॉर निलपोटेंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 100% जीरो, स्टेटमेंट है मेरा, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो निलपोटेंट हो। क्लियर है, इफ इट इफ ए मैट्रिक्स इज निलपोटेंट देन 100% इट डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, बट इफ इट्स इफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो निलपोटेंट हो। ठीक है ना, तो जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन दिया, अभी हम करने ही वाले हैं जैसे मैंने बोला तुम लोगों को, और उधर उसमें आया सिंपली इतना सा क्वेश्चन आया कि फाइंड वेदर इट इज निलपोटेंट और नॉट, फिर हम वो नहीं निकालेंगे ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर फोर, सिंपली हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट जीरो करके देख लेंगे। अगर वही नॉन जीरो आ गया तो हमारा पार्ट आसान हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो बोलेंगे इट इज नॉट निलपोटेंट। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गई तब फिर हम कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, फाइंड वेदर दिस इज निलपोटेंट और नॉट। तो हमारा निलपोटेंट हम कैसे, वो याद है हमारा लास्ट जो डिस्कशन था फोर्थ वाला, वो निलपोटेंट के लिए था, उसमें कंडीशन क्या थी, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अच्छा, उसके लिए मैंने एक चीज और बोली थी कि जैसे मान लो मुझे निलपोटेंट का इंडेक्स निकालना है तब तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, आई मीन पहले ए स्क्वायर निकालो, अगर वो नल मैट्रिक्स नहीं आया फिर ए क्यूब निकालो, तब तक निकालते जाओ तब तक नल मैट्रिक्स नहीं मिल जाता। बट इसने पूछा है कि ये निलपोटेंट या होगी या नहीं होगी, तो देखो इसको करने के लिए मैंने क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट निकाल लो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो पक्का निलपोटेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैट्रिसेस निलपोटेंट है तो पक्का उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होता है। लेकिन अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाता है फिर तो हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि निलपोटेंट होगा ही होगा, फिर तो हमें प्रॉपर प्रोसीजर सॉल्व करना पड़ेगा ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर है, तो नाउ आई विल कैलकुलेट फर्स्ट इट्स डिटर्मिनेंट, तो लेट मी कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो एक काम करते हैं प्रॉपर्टी चलो लगा लेते हैं, एक बार प्रॉपर्टी लगा के फिर ओपन करते हैं। तो मैं लगा रहा हूँ आर टू में, इधर जीरो बना रहा हूँ, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बना रहा हूं मैं। तो पहला तो रो सेम लिखा, तो आर टू माइनस आर वन जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री इज माइनस वन, फिर थ्री माइनस थ्री टाइम्स रो वन, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्री टाइम्स आर वन, तो ये जीरो हो गया। थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, नाइन माइनस नाइन अगेन जीरो, ये तो बहुत अच्छा बन गया। चलो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, चलो इसको डिटर्मिनेंट को हम सिंगल वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, किसका, मैट्रिसेस ए का डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया हमारा, अगर इससे एक्सपेंड किया तो
माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं क्या ये नल पोटेंट हो ही नहीं सकती। चाहे तुम ए की पावर कितनी भी निकालते हो वो कभी भी नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था अभी थियरी पार्ट में प्रूफ भी देखा था कि नल पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो जीरो होता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही अब खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो ये जीरो आ जाता तो फिर हमारा क्वेश्चन और बढ़ जाता, फिर हमें प्रॉपर ए स्क्वायर निकालते ए क्यूब एंड सो निकालते जाते जब तक हमारा नल मैट्रिक्स नहीं मिल जाता। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब मैं इसको कॉपी कर लो और अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो इसी टाइप एक्चुअली क्या है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी आसानी बनते हैं, बोर्ड लेवल के होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी जो आज देखने वाला हूँ, बट मैंने क्या बोला था कि हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन क्या होता है उसके नाम्स में। तो देखना मैं बता रहा हूँ तुमको जैसे मैं मेमोराइज करता हूँ, फिर तुम देखना उससे अगर कोई बेटर तरीका मिलता है मेमोराइज करने का देन यू कैन मेक योर ओन। बट जैसे कि मैंने क्या बोला, मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे सबसे पहले इनवॉल्यूटरी के लिए, इनवॉल्यूटरी के लिए हमारा कंडीशन क्या था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एन। तो मैं याद रखता हूँ इधर आई एन है और इधर भी हमारा आई एन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज माई वे ऑफ मेमोराइजिंग, यू कैन मेक योर ओन वे टू मेमोराइज इट। दूसरा था हमारा निलपोटेंट। अच्छा, जैसे निल मतलब क्या होता है, जीरो। हैंस इसको मैं याद रखता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दैट इज जीरो, इस निल से आया जीरो। फिर पीरियोडिक, देखो पीरियोडिक में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें, कौन से चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारा कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर दैट विल बी फंक्शन, तो इसके बारे में तो कभी कंफ्यूजन होएगा ही नहीं, ये हमेशा याद रहेगा तुम लोगों को। कंफ्यूजन होता है इसमें इसमें और जो हमारा लास्ट वाला पहला वाला था दैट इज आइडेंपोटेंट। तो अब मैं याद रखता हूँ ये दोनों याद रहे, तीनों याद रहते हैं मुझे। फिर लास्ट वाला देखता हूँ जो बचा हुआ वाला है वो आइडेंपोटेंट, और बचा हुआ वाला क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। समझ में आया कैसे? तो कभी भी ऐसे याद रखोगे तो माइट बी कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एन निल नल आइडेंपोटेंट बचा हुआ, ये लिख लो बचा हुआ। और एक बार अगर ये सब याद हो गए फिर इनके अंदर जो भी हम ड्राइव रिजल्ट किए हैं वो तो काफी आसान है। ठीक है ना? चलो तो ये हो गया, अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उसको पहले मैं इसको लिख लो तुम लोग, ठीक है, और आई एम रबिंग इट नाउ। देखना क्वेश्चन है, फाइंड वेदर ए इज आइडेंपोटेंट और नॉट। तो क्वेश्चन लिख लो और क्वेश्चन निकालना पहले प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। फाइंड वेदर ए इज आइडेंपोटेंट और नॉट, ठीक है, और ए दिया है मुझे 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3। ये मेरे को एक मैट्रिक्स दिया, बोला है कि फाइंड वेदर इट इज आइडेंपोटेंट और नॉट। तो आइडेंपोटेंट तो रिकॉल करो, आइडेंपोटेंट कैसे बोला मैंने, देखो आई एन इनवॉलिटरी, निल निल मतलब ए स्क्वायर इजिकल टू जीरो। फिर आइडेंपोटेंट के लिए क्या बोला था, बचा हुआ क्या था हमारा, ए स्क्वायर इजिकल टू ए। क्या था बचा हुआ, ए स्क्वायर इजिकल टू ए। तो बस मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो क्या करना है, अब हमें ए का स्क्वायर निकालना है बस, मतलब इट इज सिंपली अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। तो क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया तो मेरा इट इज आइडेंपोटेंट, अदरवाइज नॉट। तो चलो लिख लेते हैं, चलो एक बार निकाल ही लेते हैं पूरा, एक दो एलिमेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद तुम लोग कर लेना आगे का। तो ए स्क्वायर हो गया दिस मल्टीप्लाई बाय सेम मैट्रिक्स माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। तो हम कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रो कॉलम वाइज होता है, रो कॉलम। तो पहले का रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम लेते हैं। सो आई विल टेक दिस रो एंड दिस कॉलम, उससे देखो पहली बात तो ये 3x3 मैट्रिक्स होगा, इस पहला रो और पहले कॉलम से मेरा ये एलिमेंट आएगा वो मैं लिख रहा हूं। तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 विच इज 2 और माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4। तो ये अच्छा, तो हमारा वी आर लेफ्ट आउट विद 2। तो दिख रहा है पहला एलिमेंट 2 है ए का भी। अब एक एलिमेंट और निकाल लेते, चलो रो वन को पकड़ा रखा, रो कॉलम टू से मल्टीप्लाई किया, तो टू इंटू माइनस टू
माइनस फोर, माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स, माइनस फोर इंटू माइनस टू एट, तो कितना हो गया माइनस टेन प्लस एट माइनस टू, तो दिख रहा है माइनस टू, मतलब आने वाला है हमारा ए स्क्वायर भी ए के बराबर चांसेस से ज्यादातर आने वाला। अब क्या करोगे तुम, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स निकालो, ये 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 और ये, ठीक है, देन सी कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आइडेंटिपोटेंट, इफ नहीं आ रहा है हैंस इट इज नॉट आइडेंटिपोटेंट। एक भी एलिमेंट गलत नहीं आना चाहिए, देखो मैंने तो केवल दो ही वेरीफाई किए, यू हैव टू वेरीफाई ऑल द नाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो तुम लोग आराम से शांति से इसको कंप्लीट करना, ठीक है, मैं जंप करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अभी भी तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो, नहीं तो फिर लेक्चर पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ट्राई कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें क्वेश्चन में अभी बहुत ज्यादा दम तो नहीं है, मतलब बोल सकते हैं हम कि काफी कुछ बोर्ड लेवल टाइप का है, मतलब हमें वैल्यूज रख के देखनी है और वेरीफाई करना है LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा इन सच क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना ये भी अच्छे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीएनसी लगेगा इसमें। फाइंड ऑल आइडेंटिपोटेंट, फाइंड ऑल आइडेंटिपोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस, फाइंड ऑल आइडेंटिपोटेंट ऑफ ऑर्डर थ्री, ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है। तो बेटर रहेगा क्या कि तुम लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहली बात उसने क्या बोला है हमें, पहले हम इस वर्ड पे आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट में देखा था, डायगोनल किसको बोलते हैं, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स में कोई कमेंट नहीं करते, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो लेट्स से मैं उसको मान लेता हूँ ए बी सी मान लेता हूँ, तो ये हो गया जीरो 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 बी जीरो 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 सी, लेट्स से दिस इज ए, सो लेट द मैट्रिक्स इज ए। तो मुझे अब एबीसी की वैल्यू चाहिए, जितने डिफरेंट पेयर बनेंगे एबीसी के उतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब वो निकालने के लिए उसने क्या बोल रखा है कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारा आइडेंटिपोटेंट भी है। और मुझे पता है आइडेंटिपोटेंट की कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। अच्छा, अब सुनना, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में नोट लिखवाया था तुम लोगों को कि अगर दो डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दोस टू डायगोनल एलिमेंट्स। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट ए स्क्वायर, देखना क्या आएगा, क्योंकि मुझे इसी मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा उन दोनों मैट्रिसेस के, दैट इज ए का ही ए के डायगोनल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो इधर क्या आएगा, ए इंटू ए विच इज ए स्क्वायर जीरो जीरो जीरो, बी इंटू बी बी स्क्वायर जीरो जीरो जीरो, सी इंटू सी सी स्क्वायर। अब उसने क्या बोला, ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि इट इज आइडेंटिपोटेंट। अगर बराबर है तो हम क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर कर देते हैं। तो इससे क्या आएगा, मेरा ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से क्या आया मेरा ए इज इक्वल टू जीरो कॉमा वन। सिमिलरली यू इक्वेट बी स्क्वायर विद बी, तो इधर से आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो इधर से आया हमारा b इज इक्वल टू अगेन जीरो एंड वन। एंड लास्टली ये वाला एलिमेंट c इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इधर से क्या आया हमारा c भी जीरो और वन आया। अब देखो, अब हमारा मैट्रिसेस का पार्ट खत्म, अब आएगा हमारा फर्दर क्या होगा, पीएनसी का नॉलेज। अब देखना इसको हम कैसे समझेंगे कि लेट्स से एक बॉक्स मेरा इधर है, ये जीरो ये जीरो जीरो, एक बॉक्स ये है जीरो 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 एक बॉक्स। जैसा कि मैंने निकाला अभी एक ही दो वैल्यूज है जीरो और वन, तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, जीरो या फिर वन। सिमिलरली इधर भी जीरो और वन, इसको भी दो तरीके हैं, एंड लास्टली इसको भी जीरो और वन भर सकता हूँ, तो दो तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू, कितना हो गया हमारा एट, समझ में आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, वन ऑफ द काउंट इज तीनों को जीरो ले लिया, एबीसी को वन ऑफ द काउंट इज तीनों को वन ले लिया, ए को जीरो लिया दोनों को वन लिया, इसको वन लिया इन दोनों को जीरो लिया, एंड सो ऑन। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पेयर बनाएंगे आठ पेयर, इसका मतलब ऐसी हमारी आठ मैट्रिसेस मिलने वाली है,
क्लियर हुआ बच्चों? देखो अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज हमारा मैट्रिसेस का भी यूज हो गया और थोड़ा सा नॉलेज हमारा पीएनसी का भी यूज हो गया। तो सच क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन मेंस। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना ये भी एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, इफ बी इज आइडेम्पोटेंट देन प्रूव दैट। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखना क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू आई माइनस बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, और इसी में एक और पार्ट है, वो पार्ट है देखना क्या लिखा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और गिवन क्या है हमारा, ये बी इज आइडेंट, गिवन क्या है इस वाले पार्ट में भी, बी स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। तो बेटर क्या होगा, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ। तो पहले पार्ट पे आते हैं, चलो क्या दिया उसने, बी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक कंडीशन लिख लेते हैं, क्या होती है हमारी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो फर्दर हम प्रूव करने में बाकी पार्ट्स को इस इक्वेशन का यूज करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगा, तो इसको लेके रख लिया, लिख के रख लिया। अब प्रूफ जो करना है, उसने क्या बोला है, ये जो ए है, ए जो है दैट इज आई माइनस बी, ये एक आइडेम्पोटेंट है। अच्छा कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, तो हमें अगर प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ कर दें, वो मैट्रिक्स उसके स्क्वायर के बराबर है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ, टू प्रूफ इन फर्स्ट पार्ट। तो ए स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी। अच्छा एक चीज और, इसको हम अगर ये इन जनरल अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, जैसे मान लो इधर मैं एक चीज बता रहा हूँ देखना इंपॉर्टेंट, इसको आई कैन नॉट राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये मैंने पहले ही बताया था। ऐसा कब लिख सकते हैं, व्हेन ए एंड बी कम्यूट, क्योंकि एक्चुअली जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों सेपरेटली आता है, माइनस ए बी माइनस बी ए, बट इधर आई है, सिंस इट इज आई, सो आई इंटू बी और बी इंटू आई तो सेम होता है, क्योंकि आई जो है वो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। तो या तो डायरेक्टली लिख लो, अगर नहीं लिखना है डायरेक्टली तो एक एक स्टेप लिखो, क्या लिखोगे, आई स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई प्लस बी स्क्वायर। अब देखना आई स्क्वायर तो आई हो गया, माइनस आई बी माइनस आई बी, तो माइनस आई बी मतलब माइनस बी, और बी स्क्वायर हमारा क्या है, बी के बराबर है, सो मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस बी, तो ये बी से बी कैंसिल, फाइनली इट इज नथिंग बट आई माइनस बी, और आई माइनस बी क्या हमारा ए, तो हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। वही तो प्रूफ करना था हमें, क्यों, तो हमें क्या प्रूफ करना है, आइडेम्पोटेंट है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्लियर हो बच्चों, टफ नहीं है, आसानी है, ठीक है ना। चलो अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, उसने क्या बोला है, प्रूफ दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर नल मैट्रिक्स। तो एक प्रूफ कर लेते हैं, तो लेट्स से मैंने ए बी को बोला ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या करें हम, देखना ध्यान से, ए को रख देते हैं, ए क्या हमारा आई माइनस बी, तो ये आई माइनस बी इंटू बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तुम उल्टा जा सकते हो, अभी बता रहा हूँ मैं, देख कैसे। तो अब ओपन करो इसको, तो आई माइ आई इंटू बी बी माइनस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब तुम उल्टा प्रूव कर दो इसका, ऐसे लिख दो, बी माइनस बी स्क्वायर जीरो होगा, इसके बाद ऐसे लिख दो, इसके बाद ऐसे लिख दो, क्लियर है, हैंस प्रूव। सिमिलरली यू कैन से फॉर ए बी ए, ठीक है ना, क्या लिखोगे बी ए में, कैसे लिखोगे, बी इंटू ए, और ए को क्या लिखोगे, आई माइनस बी, फिर बी ये बी हो जाएगा, बी को अंदर ले लेगा तो ये बी स्क्वायर हो गया, और ये तो जीरो है ही, क्योंकि ये दोनों बराबर है, गिवन है बी इज आइडेम्पोटेंट। क्लियर हुआ बच्चों? तो दोनों पार्ट काफी आसान है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। Thank you.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो लिखो, इफ ए एंड बी आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड एक और इंफॉर्मेशन कह दिए, ए एंड बी कम्यूट, ठीक है, जब ये बढ़ाया था कम्यूट वर्ड तब मैंने बोला भी था इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी ऑल्सो कम्यूट, ठीक है। तो है हालांकि आसानी क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। हाँ, मेंस लेवल का है पियो, इट्स नॉट ऑफ बोर्ड लेवल, ऐसा नहीं कि सिंपल वैल्यूज को प्लग करना है, प्रूव करना है, एलएचएस आरएचएस, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और नॉलेज भी लगेगी डेफिनेशंस की जो हमने पढ़ी है आज। तो पहले तो ए एंड बी आइडेंटिटी है, तो ए और बी दोनों आइडेंटिटी है, तो पहले ए की तरफ से क्या लिखूं मैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो मेरा इस इंफॉर्मेशन को लिखते से ही मेरा क्या यूज हो गया, ए इज आइडेंटिटी। सिमिलरली बी भी आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। और लास्टली ये तो दो कंडीशन इस पहले स्टेटमेंट से हो गई, फिर तीसरा क्या दिया है, ए एंड बी कम्यूट। अब इसको मैथमेटिकली मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू बी। अब इन तीनों को यूज करके वी विल प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो कम्यूट। तो एक मिनट, ए बी कम्यूट कर रहा है क्या, देख लेते हैं बार क्या बोला है। ए बी इज ऑल्सो, एक मिनट, ए बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये प्रूव करना है ए बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो अब ए बी को मैंने मान लिया, लेट्स से सी इज इक्वल टू ए बी, तो बेसिकली मुझे प्रूफ क्या करना है, सी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब टू प्रूफ क्या है मेरा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। समझ में आया क्या बोला, जो मैट्रिक्स मुझे प्रूफ करनी है उसको मैंने एक ए बी कंफ्यूज कर रहा है, दो दो मैट्रिक्स एक साथ लिखी ना, तो उसको सी मान लिया। अब मुझे प्रूफ करना है कि सी जो है वो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका प्रूफ करना, उसको प्रूफ करना मतलब ये इक्वेशन प्रूफ करना, तो ये कर देते हैं हम। तो पहले मैंने सी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर को क्या लिखूं, सी इंटू सी, तो ए बी इंटू ए बी। अब देखना, ये बी ए है और मुझे पता है ए और बी कम्यूट कर रहे हैं, इस इक्वेशन से क्या आएगा, ए बी ए विल बी ए बी, तो ए तो ये लिखा, ये ए बी और ये हमारा बी लिखा है। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है ए, ये कितना है बी स्क्वायर, वो कितना है बी, और ए बी हमारा क्या है बेसिकली सी, तो प्रूफ हो गया सी स्क्वायर सी के बराबर आ गया। Hence, C is idempotent. C है क्या बेसिकली, ए बी, ए बी इज idempotent. क्लियर हुआ, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के बोल सकते हैं, बाकी प्योर मेंस लेवल के, ठीक है ना, तुम लोग देख भी लेना प्रीवियस ईयर मेंस में सच क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है। चलो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो लिखो, उससे पहले स्कोर अप कर देते हैं, और मैं क्वेश्चन का फ्लो बता दूंगा पूरा, बाकी और किसी को फिर भी डाउट आएगा तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। और लास्ट क्लास के कुछ बच्चों ने डाउट सेंड किए थे, मैंने अभी तक वेरीफाई नहीं किए थे बिकॉज आई वाज बिजी, ठीक है, आई वाज ट्रैवलिंग एक्चुअली, सो अब मैं उनका रिप्लाई आज दूंगा, ठीक है। सो प्रूव दैट ए इज इक्वल टू, देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस फाइव माइनस एट जीरो थ्री थ्री जीरो वन टू माइनस टू माइनस वन, दिस इज इनवॉलंटरी, ठीक है। तो इनवॉलंटरी कैसा, आसान है, क्या करें हम इनवॉलंटरी के लिए क्या होता है, मैथमेटिकली कैसे याद रखने को बोला था, आई एन इनवॉलंटरी, तो ए स्क्वायर निकालो, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये इनवॉलंटरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट ए स्क्वायर और देखना है कि वो ए आई के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो कर लोगे ये तुम लोग, होमवर्क क्वेश्चन ये तुम्हें पूरा पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। नेक्स्ट इज फाइंड कंडीशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड कंडीशन, फाइंड कंडीशन इफ ए इज इक्वल टू ए बी माइनस सी माइनस ए इज इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, ठीक है ना। तो अगेन है तो वही कंडीशन, ए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई लिखेंगे, फिर
क्या करेंगे हम, इक्वेट करने के लिए एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे आई तो क्या आएगा हमारा 1001, फिर इधर क्या आएगा हमारा, जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ तो एक रिलेशन आएगा, इधर चारों जगह कुछ होगा। इसको 1 के इक्वेट करेंगे, इसको 1 के इक्वेट करेंगे, और इसको 0 और इसको 0, देन हमें एबीसी में कुछ रिलेशन मिलेगा दैट यू हैव टू फाइंड। तो थोड़ा सा देखो यहां तक करना एकदम सेम है कि ए स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, एलिमेंट्स को इक्वेट भी कर दोगे, फिर वो इक्वेशन जो आएगी ना उसको एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिमाग लग सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है ये कोड क्वेश्चन। अदरवाइज फ्रॉम इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग नॉलेज बोलूँ इनवॉल्यूटरी के लिए जो इक्वेशन लिखनी होती है वो तो खैर याद है, इससे पहले वाले में लिखी हमने, उसमें कोई दम नहीं है। दम कब आएगी, जब हम इन चारों एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे ना इन चार से, तब जो इक्वेशन बनेगी उनमें मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो और नहीं आता है तो मैं तो हुई, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे आई विल रिप्लाई। और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वेदर, फाइंड whether a is equal to ab b square minus a square minus ab is nilpotent or not, ठीक है। तो ये भी एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, निलपोटेंट के लिए क्या बताया था मैंने, ठीक है ना। अगर कहीं अगर पहले पहले खुद से सोचना, अगर अटकते हो तो दोबारा नोट्स देखो, फिर भी नहीं आता है तो मैं हूँ, आई विल टेल यू इन द व्हाट्सएप, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।